वो हज़रत अली अकबर शहज़ादा अली अकबर के हवाले से कलाम पढ़ रहे थे। वाकई मौलाना जव्वाद साहब ने जो एक जुमला कहा मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। हमारे जव्वाद साहब ने कहा कि अगर ये पुराने ज़माने की नबी होती तो अकबर ने रख दिया है कलेजा निकाल के तो ये महफिल बर्खास्त हो जाती। तो जव्वाद साहब आपकी मालूमात के लिए यहाँ कलकत्ते में मुस्लिम इंस्टीट्यूट है, जब वो बना मुस्लिम इंस्टीट्यूट तो शायर मशरक अल्लामा इकबाल की सदारत में एक महफिल का इनेकाद हुआ। शायर मशरक की सदारत में महफिल थी, मटिया बुर्ज के एक कदीम शायर जिनका नाम था हिमायतों मटिया बुर्ज जी, जिन्हें सैयद साहब भी कहते हैं और सैयद बाबा का मजार उन्हीं के नाम से मशहूर है, वो बड़ी सिफत थे। उनको भी बुलाया गया और तरही मिसरा दिया हुआ था कि हिजर वो गम है खुदा से भी उठाया गया। ये मिसरा कहा थी अल्लामा इकबाल की सदारत थी। हिमायूं मटिया बुर्ज जी घोड़ा गाड़ी पर बैठ गया है, खड़ाओ पहने में सदारत अल्लामा इकबाल कर रहे हैं। हिमायूं मटिया बुर्ज जी आए, उनको देख के शख्सियत को देख के सब खड़े हो गए। जब वो पढ़ने लगे तो उन्होंने शेर पढ़ा, वो शायद कि एमए के सिलेबस में जिनकी गजलें चलती हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, उनकी गजल का एक मतलब मैं सुनाता हूँ कि जल तरंग आज नए नगमे सुने बुलबुल के, जल तरंग आज नए नगमे सुने बुलबुल के, ज़र्बे मिनार से बचते हैं कटोरे बुलके। और गजल का शार है छोटे हुए मक्ता है, उनका मक्ता सुनाता हूँ कि ऐ हिमायूं है मुझे हलकाए अहबाब पसंद, ऐ हिमायूं है मुझे हलकाए अहबाब पसंद, हो गई ईद जहाँ बैठ गए मिलजुल के। तो अब अल्लामा इकबाल की सदारत में उन्होंने जो तस्वीर पढ़ी अल्लामा ने मुशायरे को वहीं खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि एक दिन अर्श पे महबूब को बुलवा ही दिया, लेकिन चूंकि निजामत हम लोग करते हैं तो ये बताना जरूरी था कि सिलेबस के अतबार से और अपने बुजुर्गों के हवाले से कि शायर मशरक भी शायर अहले बैत के आगे आकर छोटे हो जाते हैं। एक सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद हजरत गिरामी के, दोनों आलम में फकत अपना मुकद्दर है बुलंद, दोनों आलम में फकत अपना मुकद्दर है बुलंद, फजल खालिक से मिला हमको जो रहबर है बुलंद, फजल खालिक से मिला हमको जो रहबर है बुलंद। आइए बाकर भाई आगे तशरीफ लाइए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोनों आलम में फकत अपना मुकद्दर है बुलंद, फजल खालिक से मिला हमको जो रहबर है बुलंद, तो अहले बातिल के है महबूद खुदा लाखो मगर, अहले बातिल के है महबूद खुदा लाखो मगर, पस्त दर पस्त है सब खालिक अकबर है बुलंद, पस्त दर पस्त है सब खालिक अकबर है बुलंद, तो अंबिया आए जमाने में हजारों लेकिन, अंबिया आए जमाने में हजारों लेकिन हर पैगंबर से सिवा अपना पैगंबर है बुलंद, हर पैगंबर से सिवा अपना पैगंबर है बुलंद, तो जंगे इस्लाम की तारीख में मिलता है यही, जंगे इस्लाम की तारीख में मिलता है यही, लापता इल्ला अली, पाता है
کی نسلوں کو در دادا خدا نے اب تک کفر کی نسلوں کو گردانا خدا نے اب تک بلکہ مصحف نے کہا سورہ کوثر ہے بلند تو حشر کی فکر نہیں کرتا ہے اشفاق کبھی امتی جانتے ہیں شاہ محشر ہے بلند ایک سلوات پر بھرم ہمارے محمد حضرات اکرامی کل شب بٹیا بچ میں ایک محفل تھی مسلسل ہمارے وہاں طرح محفلیں ہوتی ہیں دس کو بھی طرح پہ بارہ کو بھی طرح پہ اور کل تیرہ رجب کی بھی محفل مصرا ایک طرح کی تھی مصرا تھا کہ نغمائے ادا دل بھی ورد انما ہوگا تو ایک مرتبہ اچھا نشا اس کے بعد چونکہ بیرونی شعرا کو ہم نے سنا ہے مختصر طریقے سے ایک مرتبہ چل رہی ہے ولایت کا کتنا ترجمہ